हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी पावर प्लांट के लिए। देखते हैं पहले हमको पढ़ना क्या क्या है। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। जो भी इंडस्ट्रियल मैंने अभी कराया था, इंडस्ट्रियल के आपको क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। कोई डाउट आता है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। देखते हैं हमारा सिलेबस। पहली चीज जो हमको पढ़नी है, सिंपल गैस टरबाइन। गैस टरबाइन हम पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा। इस पे हम ब्रेटन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न साइकिल में जो भी केस आते हैं, रीजनरेशन, रीहीटिंग, वो सारी चीज़ें हम पहले चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रैंकाइन साइकिल। हो सकता है आपने नाम सुना हो ब्रेटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल। इसका आपने थर्मो, एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक थर्मो नहीं पढ़ा है तो आप पावर प्लांट ना पढ़ें, क्योंकि थर्मो के बिना पावर प्लांट नहीं हो सकता। पावर प्लांट एक एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स का। पहले आप थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करें, फिर पावर प्लांट में आए। नेक्स्ट, अगर आपने आरएसी कर रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है। पावर प्लांट में कई सारी चीज़ें हमारी रहेंगी जो आरएसी का जस्ट अपोजिट रहेगा। जैसे हमारा जो ब्रेटन साइकिल है, तो अगर आपने आरएसी पढ़ा है तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल उसका जस्ट अपोजिट है ये। आपने अगर वीसीआरएस पढ़ा है, वीआरएस में भी पढ़ा होगा आपने रिवर्स रैंकाइन साइकिल, तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। सेम चीज़ करेंगे, यहाँ भी हम एंथैल्पी पे बात करेंगे, एंथैल्पी निकालेंगे, टेम्परेचर निकालेंगे, वही चीज़ करना है। रैंकाइन साइकिल हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। इसमें भी काफ़ी चीज़ें होंगी, रीजनरेशन, रीहीटिंग, कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर। अब देखें, जो हमारा कंप्रेसर है कई तरह का होता है, तो इसमें जो हमारे सिलेबस से हमको पढ़ना है, पहला पढ़ना है हमको रोटरी या सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा पढ़ना है हमको एक्जियल फ्लो, थर्ड पढ़ना है हमको रेसिप्रोकेटिंग। तो तीन तरह के कंप्रेसर हम कवर करेंगे, इन पर न्यूमेरिकल करेंगे। अब जो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न है, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो भी एक्जियल फ्लो है, रोटरी है, इस पर केवल हमको थ्योरी पूछनी है। उन्होंने लिखा है, आप सिलेबस एक बार चेक कर लें। रेसिप्रोकेटिंग पे न्यूमेरिकल भी करना है, तो हम ऐसे करेंगे हम सारा कुछ, क्योंकि हमको गेट भी देखना है। तीन चीज़ें ये हो गई। चौथा हमारा होता है एक्चुअल गैस टरबाइन। एक्चुअल गैस टरबाइन ये क्या होता है? सिंपल गैस टरबाइन में हम कुछ जो आइडियल कंडीशन होती है उसकी बात करेंगे, एक्चुअल में हम जो एक्चुअल में प्रोसेस होती है उसकी बात करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर ये रहेगा। पांचवें चैप्टर में हम बात करेंगे इंपल्स टरबाइन की। यहाँ पे हम टरबाइन पे पहुँच गए हैं। टरबाइन, इंपल्स टरबाइन की बात करेंगे। सिक्स में बात करेंगे रिएक्शन टरबाइन की। तो इंपल्स, यहाँ पे टरबाइन हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, बॉयलर्स, बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट होते हैं, माउंटिंग होती है, एसेसरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पे देखेंगे सेवन चैप्टर में। एट चैप्टर में हम देखेंगे क्या, कंडेंसर एंड कूलिंग टावर्स। तो ये हमारा सिलेबस है पावर प्लांट इंजीनियरिंग का। हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन याद रखिए, यहाँ पे हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम फ्लूइड मशीनरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम फ्लूइड मशीनरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे यहाँ पे। जो हमारी स्टीम टरबाइन होती हैं उनकी बात करेंगे। ये सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। अगर हम इसका डिवीजन करते हैं तो जो हमारा पहली तीन चीज़ें हैं, ये गेट के हिसाब से करनी है हमको। ये गेट
सॉरी गेट के हिसाब से नहीं, ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है और एसी में तो है ही, गेट भी केवल हमको इतना करना है, ये चीजें नहीं करनी गेट के हिसाब से, एसी के हिसाब से हमको सारा कुछ करना है, तो कोई बात ही नहीं है, एसी में पूरा करना है, गेट में केवल तीन चीजें करनी है आपको। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो अगर कोई बुक देख रहे हैं तो बुक आप पीके नाग रिफर कर सकते हैं। अब हो सकता है पीके नाग की जो आपको थर्मोडायनेमिक्स की आती है उसमें भी आपको कुछ चैप्टर मिल जाएं, और पीके नाग पावर प्लांट की अलग से भी आती है तो आप अलग से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, बाकी यहाँ पे मैं कवर तो करूँगा ही। और नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स मिल जाएगी। और एक चीज़ और, मैंने जो इंडस्ट्रियल कराया था तो काफ़ी लोग मेरे से डाउट पूछते थे, उसमें कई लोगों के डाउट एक ही फंस जाते थे, वो बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बार बार उसको बताना पड़ता था। तो इस केस में मैं क्या करूँ, पावर प्लांट में मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप ऐड हो जाएं, अगर कोई डाउट आता है आप उस पर पूछ लें, उस ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप ज्वाइन कर लें, अगर आप सीरियस पढ़ रहे हैं तो। याद रखें, अगर आप 2020 जो नेक्स्ट गेट ईयर आने वाला है उसकी तैयारी करें तभी उस ग्रुप में जुड़ें, अगर आप 21 22 23 की कर रहे हैं तो उस पर ना जुड़ें, क्योंकि पता चला मैं एक्टिव रहता हूं, नहीं रहता हूं, पर 20 तक मैं रहूंगा, इसलिए आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएं अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, वी शुड नो सम टर्म्स, वी शुड नो अबाउट सम डिवाइसेस, वी शुड नो अबाउट द इंजन टर्म। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टेड आईसी इंजन, सो यू वुड हैव नोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजन। इंजन की मतलब आपको पता होगा, तो इंजन की डिफिनीशन क्या होती है, पहली चीज आप ये चेक कर लें, आप खुद में चेक कर लें, आपसे बन रही है नहीं बन रही, या फिर मैं तो बताऊँगा। तो पहले हम बात करेंगे इंजन वर्ड की, होता क्या है ये इंजन, इसकी बात करते हैं। तो इंजन इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। हिंदी में अगर बात करें, इंजन एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अब कोई बोलता है कि तो क्या जो बैटरी होती है, बैटरी जो कार की बैटरी होती है, तो क्या वो भी इंजन है एक? बिल्कुल नहीं, इंजन वो इंजन नहीं है। क्यों इंजन नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बोला, मैकेनिकल डिवाइस। जो बैटरी है क्या मैकेनिकल डिवाइस है? नहीं। तो मैकेनिकल डिवाइस जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे, इंजन है। सिंपल सी डिफिनेशन है, कोई चीज में सोचना नहीं है। तो पहला चीज ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम आईसी इंजन की। देखिए इंजन हमारे दो तरह के होते हैं, पहला आईसी इंजन, दूसरा ईसी इंजन। आईसी इंजन, ईसी इंजन, अब ये क्या होते हैं? आईसी इंजन अगर आपने पढ़ लिया तो आईसी इंजन तो आपको पता होगा, मतलब क्या? आईसी इंजन में जो कंबशन होता है इंटरनल होता है, इंजन के अंदर ही होता है। ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इसमें जो कंबशन होता है इंजन के बाहर होता है। ये जो मैंने डिफरेंस बताया, ये डिफरेंस बच्चों वाला है, ये डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो नाम बता रहा है बस आप वही बता रहे हैं। तो पहली चीज आती है इनमें डिफरेंस क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको आईसी इंजन तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको ईसी इंजन पढ़ाने वाला हूँ। तो आईसी इंजन और ईसी इंजन में कई डिफरेंस होते हैं, तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं मैं उसकी बात करता हूँ। जो आईसी इंजन है इस पे जो हमारा कंबसन फ्लूड होता है, कंबसन फ्लूड जो होता है वो थ्रू आउट द साइकिल सेम होता है। मीन्स जो फ्लूड होता है हमारा, एक ही फ्लूड होता है, वो थ्रू आउट द साइकिल सेम होता है। इसमें आईसी इंजन में कंबसन फ्लूड में लिख देता हूँ इसको। सो ये हमारी आईसी इंजन की बात हुई, जो कंबसन फ्लूड है यही हमारा साइकिल में घूमते रहता है, मीन्स यही हमारा वर्किंग फ्लूड है, ध्यान देना है आपको। तो ये पहला चीज हुआ। अगर हम बात करें ईसी इंजन की, तो ईसी इंजन में आग कहीं और लगती है और
काम कोई और करता है, ये मीन्स कंबसन फ्लूड जो होगा कोई दूसरा होगा और वर्किंग फ्लूड जो होगा कोई दूसरा होगा। देखें कंबसन फ्लूड अपनी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी वर्किंग फ्लूड को दे देगा। वर्किंग फ्लूड क्या, जो साइकिल में घूमते रहता है उसको वर्किंग फ्लूड बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होते हैं, यहाँ पे सेम होता है। अब आईसी इंजन का कंबसन फ्लूड क्या होता है पता होगा अगर आपने पढ़ रखा है, एयर प्लस फ्यूल, फ्यूल अब कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इंजन। एंड एसी इंजन में कंबसन फ्लूड बोलें या फिर कंबसन प्रोडक्ट बोलें, क्योंकि अगर हम कोल की बात करें तो कोल जो है हमारा फ्लूड थोड़े ना है, तो कंबसन प्रोडक्ट बोलते ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए जिस प्रोडक्ट में कंबसन होना है। तो ये हमारा अलग रहेगा और वर्किंग फ्लूड अलग रहेगा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हुए, बाकी और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं। अगर एक और डिफरेंस की बात करें तो आईसी इंजन में इंजन के अंदर ही सारा कुछ हो जाता है, क्या कंप्रेशन, एक्सपेंशन, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन। एसी इंजन की बात करें तो यहाँ पे हर अलग अलग लोकेशन में होता है, तो एसी इंजन काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। एक चीज़ सिमिलर होती है सारी जगह पे, चाहे आप आरएसी पढ़ें, पावर प्लांट पढ़ें, आईसी इंजन पढ़ें, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, जो भी रिएक्शन होती है किसी भी साइकिल में वो चार रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन जो आपकी होती है कंप्रेशन की, अब देखिए कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इसकी या फिर कोई सा कंप्रेशन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो कंप्रेशन आपका होगा ही, नेक्स्ट हीट एडिशन ये भी आपका होगा ही, चाहे आप आरएसी कर रहे हों या फिर आईसी इंजन कर रहे हों या एसी इंजन मीन्स पावर प्लांट कर रहे हों, तो ये दोनों रहेंगे। थर्ड आपका एक्सपेंशन, ये भी आपका रहेगा ही। फोर्थ हीट रिजेक्शन, ये भी आपका होगा ही। तो ये चार चीज़ें आपको मिलनी ही हैं, कोई कुछ भी पढ़ें, आप ब्रेटन साइकिल पढ़ें, रैंकाइन साइकिल पढ़ें या फिर ऑटो साइकिल पढ़ें, डीजल साइकिल पढ़ें, कोई भी साइकिल पढ़ें, आपको ये चार चीज़ें मिलेंगी ही। अगर आप रिवर्स ब्रेटन पढ़ते हैं, रिवर्स रैंकाइन पढ़ते हैं, उसमें भी आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी ही। तो कोई इसमें आपको ये मिलना है, आपको इसमें ध्यान देना है। याद करिए आपको VCRS में भी ये चीज़ मिली थी, आपको ऑटो में भी ये चीज़ मिली थी। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी मिलेंगी हमको। अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे, हम अपने टॉपिक अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं हम एसी इंजन और आईसी इंजन। एसी इंजन में हम अब बात करेंगे गैस टरबाइन के बारे में। तो गैस टरबाइन हम यूज़ कर रहे हैं, उसके कुछ एडवांटेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू आईसी इंजन। तो वो क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन ओवर आईसी इंजन की कंपैरिजन में क्या एडवांटेज होते हैं गैस टरबाइन से, क्यों यूज करते हैं हम आईसी इंजन का यूज क्यों नहीं कर लेते, क्यों हम गैस टरबाइन इंप्लॉय करते हैं, देखते हैं कैसे। पहली चीज जो है हमारी सिंपल मैकेनिज्म हमारी गैस टरबाइन की सिंपल होती है। जो भी इसके कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, आप उसको इंस्टॉल करें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आईसी इंजन में हमको एक ही इंजन के अंदर कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा टफ हो जाता है, मैकेनिज्म थोड़ी डिफिकल्ट होती है। पहली चीज़ हमारी ये हो गई। दूसरी चीज़ हमारी क्या हो गई, कॉम्पैक्ट होती है। क्या होती है कॉम्पैक्ट, गैस टरबाइन। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि गैस टरबाइन तो बड़ी होती है, कॉम्पैक्ट कैसे हो गई, आईसी इंजन तो काफ़ी छोटा होता है। बिल्कुल आप सोच सकते हैं। तो जब हम कॉम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो जो पावर डेवलप्ड होता है, पावर डेवलप्ड बाई बोथ आईसी एंड गैस टरबाइन बोथ, सो द पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट, पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट ज़्यादा होता है किसमें, गैस टरबाइन में। अब आईसी इंजन आपको दिखने में छोटा लगे, लेकिन जो पावर वो डेवलप कर रहा है उसके वेट के हिसाब से वो कम होता है गैस टरबाइन की कंप्रेशन में। तो ये हमारा सेकंड चीज़ हो गई।
थर्ड क्या हो गया हमारा, स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पीड इज मोर। अब स्पीड मोर क्यों होगी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि ये हमारा रोटरी इंजन है। देखिए रोटरी इंजन जो होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और रेसिप्रोकेटिंग कम होती है, तो रोटरी है तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फोर्थ प्रॉफिट हमको, फोर्थ एडवांटेज क्या होता है, बैलेंसिंग की। होप आपने टॉम कर लिया है, तो अगर आपने थ्योरी ऑफ मशीन कर लिया है तो अगर आपने बैलेंसिंग पढ़ा है, बैलेंसिंग में रेसिप्रोकेटिंग की बैलेंसिंग कितनी टफ होती है अगर आपने पढ़ा तो आपको पता हो कितनी टफ होती है। कई सारे साइंटिस्ट लोग लग गए इसको बैलेंस करने में पर बैलेंस नहीं हो पाया, अभी तक बैलेंस नहीं हो पाया है। हालांकि अब जो सिक्स सिलेंडर यूज कर रहे हैं हम उससे बैलेंसिंग काफ़ी हो गई है, लेकिन जो हमारी नॉर्मल कार चलती हैं उनमें जिसमें सिक्स सिलेंडर नहीं होता, फोर सिलेंडर में बैलेंसिंग अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो बैलेंसिंग बहुत ही मुश्किल है आईसी इंजन की, लेकिन गैस टरबाइन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चार एडवांटेजेस हैं हमारी गैस टरबाइन के ओवर आईसी इंजन। अब ये तो एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं हमारी गैस टरबाइन के, उनको भी देखते हैं। सो अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो ये भी होते हैं। सबसे पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पूछा जाता है ये इंटरव्यू वगैरह में, तो ध्यान देंगे, जो भी हमारी गैस टरबाइन होती है उस पर कंप्रेसर लगा होता है। अब अगर कंप्रेसर आपने आरएसी में पढ़ा है तो आपको पता होगा कंप्रेसर में हमको वर्क इनपुट कराना पड़ता है, वर्क हमको देना पड़ता है तब वो चलता है। तो कंप्रेसर लगा होता है जबकि आईसी इंजन में नहीं लगा होता, तो कंप्रेसर को हमको कुछ वर्क देना पड़ेगा। देखिए गैस टरबाइन गैस पे काम करती है, तो यहाँ तो हम पंप लगा नहीं देंगे, पंप हमारा लिक्विड में काम करता है, गैस पे कंप्रेसर काम करता है, तो कंप्रेसर लगा गया, कंप्रेसर जब लगेगा तो उसका कुछ वर्क होगा। कंप्रेसर पे जो हम वर्क देते हैं और टरबाइन पे हमको वर्क मिलेगा, तो जो टरबाइन पे वर्क मिलता है और कंप्रेसर पे जो हम लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमारा जो कंप्रेसर का वर्क है टरबाइन के कंप्रेशन में नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल नहीं होता। अगर हम वाटर टरबाइन की बात करें, वहाँ पे पंप लगाते हैं तो पंप का वर्क निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द वर्क ऑफ टरबाइन, लेकिन यहाँ पे टरबाइन के कंप्रेसर में निग्लिजिबल नहीं मान सकते। मतलब क्या, अगर डब्ल्यूसी कंप्रेसर वर्क है तो ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है, मींस ये नॉट निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू WT। इंग्लिश आप नहीं पढ़े, केवल आप ये देखें WC या WT कंपैरिजन में निग्लिजिबल नहीं होता, कुछ होता है। तो जो हमारा W नेट होता है मींस टोटल वर्क जो हमको मिलता है गैस टरबाइन, टरबाइन लगाए हैं तो हम क्यों लगाए हैं, हमको वर्क ही तो चाहिए इसीलिए तो हम लगाए हैं इसको, मतलब क्या टरबाइन लगाने का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा W ऑफ टरबाइन माइनस W ऑफ कंप्रेसर। देखिए यहाँ पे कुछ हमारा वर्क कम हो गया, आईसी इंजन में ऐसा नहीं होता, जो मिला वो मिला, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाइड। देखिए वर्क नेट तो हमारा कम हो गया, ये हमारा कम हुआ, ये तो हमारी सेम है, तो हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी क्योंकि कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। अब कोई बोला कंप्रेसर यूज मत करो, यूज नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, यूज तो करना है हमको, कंप्रेसर तो कराना है, कुछ कैसे भी कराए, पंप तो लगा नहीं देंगे कि पंप लगा देंगे कंप्रेसर करने के लिए, सो एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, यहां पे हमको हाई रिडक्शन गियर यूज करना पड़ता है, हाई रिडक्शन गियर। अब हाई रिडक्शन गियर, अब देखिए यहां पे आप टॉम में अगर जाएं, हाई रिडक्शन गियर जिसमें हायर गियर रेशियो रिडक्शन होता है, कौन से गियर होते हैं, आप अगर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये कि हाई गियर रेशियो रिडक्शन किस गियर में होता है, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ चुके हैं। तो अगर ये आपको पता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दें, आप इस वीडियो में कौन सा होता है, मैं कमेंट रीड करता हूँ आपका, मैं आंसर देख सकता हूँ। सो यहाँ पे हाई रिडक्शन गियर होना चाहिए, क्यों,
अभी अभी मैंने बताया था इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ये हमको यूज करना पड़ेगा। अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर यूज नहीं करेंगे, हम जानते हैं क्या, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जब ये ज़्यादा होता है तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो फोर्स ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो जो कंपोनेंट लगे होंगे तो उन कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो कुछ भी हो सकता है, क्रैक हो सकते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है उसके बाहर गया तो क्रैक पॉसिबल है। सेकेंड ये हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें, जो भी हमारे मटेरियल लगे होते हैं गैस टरबाइन में, जैसे आईसी इंजन में कौन कौन से थे, पिस्टन था, क्रैंक केस, कई सारे मटेरियल हमने पढ़े हैं, तो जहाँ जो गैस टरबाइन में लगे होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है, तो जो गैस टरबाइन में लगे होते हैं तो वो काफ़ी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल लगे होने चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पे हम हाई हीट रेजिस्टेंट मटेरियल यूज करेंगे। यूज क्यों करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि स्पीड पहली बात ज़्यादा है, टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, हम इस पर ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करते हैं, इसलिए जो भी मटेरियल्स हैं हाई हीट रेजिस्टेंट होने चाहिए, नहीं तो वो जल जाएंगे, पिघल जाएंगे, गिर जाएंगे। सो ये तीन डिसएडवांटेज हैं गैस टरबाइन के। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट, अब हम गैस टरबाइन में फुली इंटर कर जाते हैं, अब हम आईसी इंजन को पीछे छोड़ जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ओके, थैंक यू।